नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली नेशन में। आज हम आपको एक ऐसे गांव की जानकारी देने जा रहे हैं जिस गांव तक नहीं पहुंचा कोरोना। आखिरकार वजह क्या है कि वहां पर कोरोना नहीं पहुंचा, क्योंकि अभी तक हम देखते आए हैं कि देश के कोने कोने से कोरोना मरीज मिलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक ऐसा गाँव है जिस गाँव का नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और कई बड़े रईस लोग उस गाँव में जाकर रहने भी लगे हैं। आखिरकार इस गांव की खासियत क्या है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक ऐसा भी गांव जहां अभी तक नहीं पहुंचा कोरोना, ग्रामीण अपना रहे हैं ये तरीका। कौन सा तरीका अपना रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और अगर आप भी ग्रामीण हैं या आप शहरी हैं तो शायद शहर में ऐसा है कि कुछ लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता, इसलिए शहर में तो ये नामुमकिन है। लेकिन अगर गांव की जनता है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अगर ये तरीका अपनाएंगे तो शायद आपको कोरोना कभी भी नहीं होगा और पूरे गांव में कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बता दूं आपको, पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो ऑक्सीजन की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो कई मरीजों को हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिल रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक खास खबर सामने आई है जो काफ़ी खास है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में आम लोगों की जागरूकता के चलते पूरे गाँव में भी कोई भी कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है। गांव का नाम है आगर मालवा। ये आगर मालवा मध्य प्रदेश का एक गांव है जहां पर एक भी केस कोरोना के नहीं मिले हैं। कोरोना ने 2020 में भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में तेज़ी से अपना प्रभाव दिखाया था। दुनिया भर में लॉकडाउन लगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, मगर अब कुछ राहत के बाद कोरोना की दूसरी लहर जो है काल बनकर आई है। ऐसे में देश भर की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, ऐसे में आम लोगों को जागरूकता होना अति आवश्यक है। आगर मालवा में आधा दर्जन से अधिक ऐसे गांव जो जागरूकता की अहमियत की गवाही दे रहे हैं। आगर मालवा के लोगों की जागरूकता का ही परिणाम है कि कोरोना के पहले दिन से लेकर आज तक इन गाँव में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। बता दूं आपको, इसके पीछे गांव के लोगों का दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ही है। ग्रामीणों ने मिलकर गांव को सुरक्षित रखा। गांव की महिलाओं ने अपने अपने घरों के सामने सैनिटाइजर, पानी की बाल्टियां और साबुन रखे हुए हैं। अगर परिवार का कोई व्यक्ति गांव में आता है या अपने खेत खलिहान में आता है तो पहले घर के बाहर रखे साबुन से अपने हाथ और पैर को धोता है, इसके बाद ही घर में प्रवेश करता है। इस काम में महिलाएं बखूबी जिम्मेदारी निभा रही हैं। दूसरे गांव में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। गांव के अंदर की गई व्यवस्थाओं को देख हर कोई तारीफ कर रहा है। यही नहीं, गांव के युवाओं ने अपनी एक टोली बनाई हुई है और उस टीम में काम है कि जो भी व्यक्ति इनके गांव में प्रवेश कर रहा है, चाहे वो इनके गाँव का क्यों ना हो, उन लोगों को पहले पड़ताल की जाती है। पहले देखा जाता है कि जो व्यक्ति गांव प्रवेश कर रहा है उसकी तबीयत कैसी है, वह कहां से आ रहा है, किनसे मिलकर आ रहा है। ये सब जांच के बाद उसके हाथों को सैनिटाइज करवाया जाता है और फिर उसे गांव में अंदर प्रवेश मिलता है। कोई बाहरी व्यक्ति गांव के प्रवेश ना कर सके, इसीलिए गांव की सड़क पर बैरिगेट्स लगा दिए गए हैं जहाँ युवा ड्यूटी देते हैं। गाँव में बनी टीम में से दो दो युवा चार चार घंटे की ड्यूटी देते हैं और गांव की रक्षा करते हैं। बता दूं आपको, COD रड़दा का कहना है कि ग्रामीणों की इस तरह की पहल वाकई काबिले तारीफ है। यहां बड़े से बड़े मगर बच्चे भी अपनी जागरूकता का परिचय देने से पीछे नहीं हटते हैं। इस बीमारी से लड़ना है तो हम सबको अपने स्तर पर सावधानियां बरतनी होंगी। ग्रामीणों की जागरूकता की वजह से ही इन गाँव में पहले दिन से अभी तक एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं हुआ है। यानी कि अगर आप भी, जैसा कि हमने बताया, अगर आप भी इन रूलों को अपनाते हैं, इसी नियम कानून से आप अगर चलते हैं और आप भी अपने गांव, अपने घर को कोरोना से मुक्त कराना चाहते हैं तो आपको इन्हीं टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा।
आपको ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा जैसे कि आज हमने जो आपको खबर दिखाई मालदा गांव की, मालदा गांव की तरह से आपको भी अगर अपने गांव को बचाना है, अपने देश को बचाना है, बात एक गांव की नहीं, बात संपूर्ण देश की है, अगर आप संपूर्ण देश को बचाना चाहते हैं तो आपको यही टेक्निक अपनानी पड़ेगी, यही रवैया अपनाना पड़ेगा और कोरोना से बचना होगा। क्योंकि आज जिनके अंदर लक्षण देखे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, उनका शुगर बढ़ने लगता है, बीपी घटने बढ़ने लगता है, यानी कि वो धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगते हैं और उसके बाद उनसे रहा नहीं जाता और वो अस्पताल भाग जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उनके लिए ना तो बेड होता है, ना तो ऑक्सीजन होती है और ना ही अस्पताल में जगह होती है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। बाद में हम 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक खर्चा करने तक मजबूर हो जाते हैं, अपना घर द्वार भी लोग बेच देते हैं कि घर का आदमी सेफ रहे। लेकिन अगर आप इन्हीं नियमों को, आप जैसा कि हमने आपको दिखाया, अगर उसी गांव की तरह आप भी अपने गांव को बचाने में लग गए तो मानिए आपका परिवार नहीं बल्कि पूरा गांव, पूरा देश कोरोना से मुक्त हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, घर की महिलाओं को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि घर की गांव की महिलाएं अक्सर एक दूसरे से बात करने दूसरे घर में चली जाती हैं। खैर, पुरुष ऐसा नहीं करते लेकिन महिलाएं करती हैं। तो उन्हीं सब के बचाव के लिए, अगर वो चाहती हैं कि हमारा गांव सही रहे, हमारे घर के परिवार के लोग सदस्य जितने भी हैं वो सही रहें, तो आपको ऐसे ही इन्हीं गांव वालों की तरह टेक्निक अपनानी पड़ेगी, तभी जाकर के आप अपने देश को, अपने गांव को, अपने समाज को बचा पाएंगे। अन्यथा ऐसे ही आपको दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज हमने आपको जो वीडियो दिखाई है जागरूकता की वीडियो है, आप इसे हल्के मत लीजिएगा। आप खुद 2-4-6 लोग, 10-20 लोग गांव में ऐसे होते हैं जो खाली रहते हैं, जो घूमते टहलते रहते हैं, अगर वो लोग चाहें तो अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं, अपना एक नाम दर्ज करा सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, आपकी भी खबर छपेंगी, आपको भी लोग देखेंगे, आपको भी लोग फॉलो करेंगे। जो लोग फालतू घूमते हैं उन लोग को अपने गांव की रक्षा करने के लिए हाथ खड़ा कर देना चाहिए, और उसके बाद जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं या जो भी लोग कहीं से भी आ रहे हैं उनको एक बार चेक करें उनकी तबीयत कैसी है। अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो उनको गांव में एंट्री बिल्कुल ना दिया जाए, उनको हॉस्पिटल भेजा जाए, उनको ट्रीटमेंट हो या फिर उनको कहीं एकांत में रखकर उनका इलाज किया जाए, और इसकी जिम्मेदारी ग्रामीण लोग खुद उठाएँ, सरकार के सहारे ना रहें, क्योंकि सरकार की गलतियाँ कम, आपकी इंसानियत की गलतियाँ ज़्यादा सामने आ रही हैं। आपके गांव में कोई मर जा रहा है, आपके घर के बगल कोई मर जा रहा है, किसी कारण उसको कोरोना नहीं है, तो आप लोग उसको छूते भी नहीं, उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं जाते, यानी कि अपनी इंसानियत आप लोग ज़िंदा रखिए, इंसानियत को मत मरने दीजिए, कोरोना को मारना है इंसानियत को नहीं। चलिए, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में राय लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।